भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगड जिल्ह्याच्या अल्पसंख्याक मोर्चाची कार्यकारिणी बैठकीचे आयोजन गुरुवारी करण्यात आले होते. ही बैठक श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी त्यांनी येणाऱ्या काळात मागील 2.5 वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढणार असल्याची ग्वाही देत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सर्वांनी साजरा करून 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान सर्वांनी घरावर झेंडे फडकविण्याचे असे आवाहन केले आहे. पनवेल मार्केट यार्ड येथील श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात उत्तर रायगड भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाची कार्यकारिणी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ही बैठक जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली असून यावेळी त्यांनी अनेक विषयांवर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या बैठकीला भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेश सचिव मनसूर पटेल, अल्पसंख्याक सेलचे जिल्हाध्यक्ष जासिम गॅस, पनवेल एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष इक्बाल काझी, पनवेल महापालिकेचे माजी नगरसेवक मुकित काझी, पापा पटेल, तळोजेचे माजी सरपंच मुनाफ पटेल, जयानब शेख, समीना साठी, जिल्हा सरचिटणीस ॲडव्होकेट इर्शाद शेख, जवाद काझी, निसार सय्यद, माजी नगरसेवक मेजार शेख यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात जिल्हा सरचिटणीस ॲडव्होकेट इर्शाद शेख यांनी उत्तर रायगड जिल्ह्यातील सर्व मुस्लिम समाजाच्या कर्मस्थानांच्या संरक्षण भिंती व त्यांच्या सुशोभीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा या मागणीचे निवेदन आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे सुपूर्द केलं. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की हा देश आपल्या सर्वांचा आहे. या भावनेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टी काम करत आहे. सर्व धर्माचा आदर राखला गेला पाहिजे, विशेष करून जो मुस्लिम समाज अनेक वर्षांपासून देशात राहत आहे. त्या समाजाविरोधात कोणी वक्तव्य केलं असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. यामध्ये पक्षात कोणतेही दुमत नाही असे सांगितले. तसेच देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपल्या सर्वांचाच आहे, त्यामुळे 13 ते 15 ऑगस्ट कालावधीत प्रत्येक घरात झेंडा फडकविला पाहिजे असे आवाहन केले आहे. पनवेल में जहां कहीं भी पनवेल तालुका में हमारा मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी है, उनके जो गांव के कोई समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो काम करने हम उसके लिए फॉलोअप करेंगे. आने वाले समय में 2.5 साल का जो भी बैकलॉग हमारा रहा वो 2.5 साल का बैकलॉग जल्द से जल्द कैसे भर के निकले और उसके माध्यम से हर किसी को, हाँ ये पनवेल शहर मेरा है, पनवेल तालुका मेरा है और इसमें मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, भावना होनी चाहिए. मैंने शुरुआत भाषण की कि 75 साल जब देश को पूरे होते हो तो देश को हर किसी को लगना चाहिए ये त्यौहार सरकार का नहीं है, ये त्यौहार हमारा है. तो सब जगह पे हमने अपील की है कि देश का जो तिरंगा है तो देश का तिरंगा अपील किया है हमें मोदी जी ने कि हर घर से तिरंगा लहराना चाहिए. और पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे कि आपने सुबह अगर झंडा फहराया, जो कपड़े का रहता है, कागज का है तो आप तो अपने घर में गाड़ी में लगाते रहते, जो कपड़े का झंडा हम लोग लगाते हैं तो उसको जब फहराते हैं सुबह शाम को निकालना पड़ता है. पर इस बार चूंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकला है जिसमें यह बताया गया है कि आप 3 दिन तक 13, 14, 15, तो 13 तारीख को सुबह आप ये झंडा फहरा सकते हैं, जिसको 15 तारीख को शाम को आप उतार सकते हैं, कोई जरूरत नहीं रोज शाम को उसको उतारने की. जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है वहां पे रोज उसको फहराओ, रोज उसको आप शाम को नीचे ले जाओ, ये बात कही गई है. लेकिन हर घर में ये तिरंगा लहरा, इसके लिए बीच में हमने मीटिंग भी दी है. मैं आप सभी लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. ये देश का मामला है और देश के प्रति हमारे मन में जो आस्था है, और हम सभी चाहते हैं अभी मेरे मैं या आप किसी के भी घर में, हमारे जब पिता होते हैं, हम जब छोटे बच्चे रहते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट बने रहते हैं. ऐसे आपको सभी को जाए ये पैसा ले, जा पिक्चर जा मजा कर, पार्टी कर, पिताजी कभी नहीं बोलते, दादा बोलते. तो अभी 75 साल का हो गया ना देश, तो हमारे दादा के जैसे हो गए, तो अभी वो हमसे प्यार कर रहे हैं, हम दादा से यानी अपने देश से प्यार करें तो अपने प्यार का इजहार भी करना चाहिए. तो इसमें शरीक हो जाए, इसमें शरीक होके ये जो कहीं ना कहीं हमें आपस में लड़ाने की भावना चल रही है, इसको कैसे जवाब दे सकते हैं हम, कोई अच्छी चीज करके कर सकते हैं. तो हम हमारे पास के किसी गरीब को मदद करें, हम हमारे पास के किसी का ऐसा भला करें कि जिसके माध्यम से वो हमें या समाज को मदद करें.
तर माजी नगरसेवक मुकित काझी यांनी मुस्लिम समाज हा भारतीय जनता पार्टी बरोबर राहणार असल्याचे प्रतिपादन केलं.